नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पीएम मोदी का आज अमेठी और प्रयागराज दौरा है। करीब 30 विधानसभा के मतदाताओं को साधने की तैयारी है। अमेठी सुल्तानपुर की 9 विधानसभाओं को करेंगे संबोधित। प्रयागराज और प्रतापगढ़ की 19 विधानसभाओं की संयुक्त रैली होगी। पीएम मोदी के रैली को लेकर तैयारियां पूरी है और इनकी रैली में अमेठी के तिलोई, गौरीगंज, जगदीशपुर और अमेठी सुल्तानपुर की इसौली, सुल्तानपुर सदर, लंबुआ और कादीपुर तथा रायबरेली जिले की सलोन विधानसभाओं के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। इसके अलावा प्रयागराज के फाफा मऊ में होने वाली रैली में फाफा मऊ, सोराव, फूलपुर, प्रतापपुर, मेजा, हंडिया, करछना, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, कोराव और बारा के साथ साथ प्रतापगढ़ की रामपुर खास, बाबागंज, कुंडा, विश्वनाथगंज, पट्टी, रानीगंज और प्रतापगढ़ सदर विधानसभाओं के कार्यकर्ता बीजेपी समर्थक पहुंचेंगे। तो आज पीएम मोदी की जो ये जनसभा है ये बेहद खास है। आज पीएम मोदी का दौरा है पांचवें चरण में। आपको बता दें कि करीब 11 जिले हैं जहां पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें कि अमेठी, अयोध्या, प्रयागराज, श्रावस्ती, बहराइच, ये वो जिले हैं जो शामिल हैं, यहां पर वोट डाले जाएंगे। तो अमेठी सुल्तानपुर की 9 विधानसभा को संबोधित करेंगे आज पीएम मोदी। पीएम मोदी की इस रैली में अलग अलग जगहों के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। तो पीएम मोदी का आज अमेठी और प्रयागराज का जो दौरा है वो बेहद ही खास माना जा रहा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह का आज बस्ती और बहराइच दौरा है। दोपहर 2 बजे केसरगंज बहराइच में अमित शाह की जनसभा है। दोपहर 1:10 पर बहराइच शहर में करेंगे जनसभा। दोपहर 3 बजे हरैया इंटर कॉलेज बस्ती में जनसभा करेंगे। तो आज अमित शाह का भी दौरा है यूपी में, अलग अलग जिले में मौजूद रहेंगे अमित शाह। सबसे बड़ी बात, दोपहर 2 बजे की अगर बात करें तो 2 बजे जनसभा करने के बाद 3 बजे हरैया इंटर कॉलेज वो जाएंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह का सबसे महत्वपूर्ण ये दौरा है। दोपहर 12 बजे कैसरगंज बहराइच में अमित शाह की जनसभा है। दोपहर 1:10 पर बहराइच शहर में वो जनसभा करेंगे। दोपहर 3 बजे हरैया इंटर कॉलेज बस्ती में जाएंगे और वहां पर भी जनसभा है। यानी कि आज अमित शाह का उन जिलों में दौरा है, उन जिलों में जनसभा है आज अमित शाह की, जहां पर पांचवें चरण में चुनाव होना है। 11 जिले ऐसे हैं लगभग जहां पर वोट डाले जाएंगे पांचवें चरण में। दोपहर 3 बजे हरैया इंटर कॉलेज बस्ती में जनसभा करेंगे अमित शाह। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कुशीनगर और वाराणसी दौरा है। दोपहर 12:15 पर कुशीनगर के तमकुही राज में करेंगे जनसभा। दोपहर 3 बजे वाराणसी के कपसेठी में रक्षा मंत्री की जनसभा है। यानी कि जनसभा को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आज वाराणसी में भी वो जाएंगे और यहां पर भी वो जनसभा करेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कुशीनगर और वाराणसी दौरा है। इससे पहले अमित शाह भी वाराणसी गए थे और वहां पर उन्होंने तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग की थी, उनके साथ वो बैठे थे, उन्होंने बातचीत की थी, रणनीति तैयार की थी। और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे वाराणसी और वो भी वहां पर जनसभा करेंगे। तो पांचवें चरण का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प है। पांचवें चरण में 11 जिलों में वोट डाले जाएंगे, जिनमें की 2 ऐसे जिले आते हैं, अयोध्या और प्रयागराज। दोनों ही धर्म नगरी हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस एजेंडे को लेकर लगातार राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप करती रही, राम मंदिर का मुद्दा, इस बार इस मुद्दे को लेकर किस तरीके से चुनाव होंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो अयोध्या में
पांचवें चरण में चुनाव है। पांचवें चरण का जो मतदान है वो 27 फरवरी को होगा और पांचवें चरण में 11 जिलों में वोट डाले जाएंगे, अलग अलग जिले उत्तर प्रदेश के। तो वही सीएम योगी के आज ताबड़तोड़ चुनावी दौरे हैं। बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती और अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। सुबह 11 बजे कटियारा, रामनगर, बाराबंकी में जनसभा करेंगे। दोपहर 12 बजे राजा बंडी, बहराइच में जनसभा करेंगे। दोपहर 1 बजे श्रावस्ती में जनसभा को संबोधित करेंगे और दोपहर 2:30 बजे इंटर कॉलेज नरौली अयोध्या में सीएम की जनसभा है। दोपहर 3:30 बजे माया बाजार के सामने अयोध्या में जनसभा करेंगे। शाम 4:30 बजे अयोध्या से जनसंपर्क करेंगे सीएम योगी। अयोध्या में रोड शो भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो दोपहर 1 बजे श्रावस्ती में जनसभा को वो संबोधित करेंगे, 2:30 बजे इंटर कॉलेज नरौली अयोध्या में सीएम की जनसभा है और 3:30 बजे माया बाजार के सामने अयोध्या में उनकी जनसभा है। यानी कि आज सीएम योगी भी अलग अलग जिलों के दौरे पर रहेंगे। लगभग 60 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। योगी की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होंगी और बता दें कि विधानसभा चुनाव संबंधित विस्तृत जानकारी पहले ही जारी कर दी गई थी। 60 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, 11 जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण में श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट और प्रयागराज में मतदान होगा। इस चरण के दौरान 10 जिलों की कटिहारी, टांडा, जलालपुर, अकबरपुर, तुलसीपुर, गिनसारी, उत्रौला समेत तमाम जो ऐसे क्षेत्र हैं अवध के, खास तौर पर वहां पर वोटिंग होगी। तो वही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का ताबड़तोड़ चुनावी दौरा है। आज गोंडा, बलरामपुर, चित्रकूट में प्रचार करेंगे स्वतंत्र देव सिंह। सुबह 11:25 पर गोंडा के सालपुर बाजार पंडरी कृपाल में करेंगे जनसभा। दोपहर 1 बजे हुसैनाबाद बाजार उत्रौला बलरामपुर में जनसभा करेंगे। 3:50 पर रानीपुर भट्ट चित्रकूट में जनसभा को संबोधित करेंगे स्वतंत्र देव सिंह। तो स्वतंत्र देव सिंह जनसभा करेंगे, 3:50 पर रानीपुर भट्ट चित्रकूट में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। पांचवें चरण की तैयारियों में कांग्रेस भी जुट गई है। बाराबंकी और गोंडा में प्रियंका गांधी प्रचार करेंगी। मसौली और मसकनवा में चुनावी जनसभा है। दोपहर 3 बजे डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगी प्रियंका गांधी। तो बाराबंकी और गोंडा में प्रियंका गांधी वाड्रा प्रचार करेंगी। कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश है और साथ ही जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में वोटों की अपील भी करेंगी प्रियंका गांधी। तो पांचवें चरण की तैयारियों में कांग्रेस जुट गई है। बाराबंकी और गोंडा में प्रियंका गांधी वाड्रा
प्रचार करेंगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि चुनावी जनसभा भी है उनकी, डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगी प्रियंका गांधी। पांचवें चरण को लेकर एक्टिव मोड में बीएसपी भी है। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र प्रयागराज में रैली करेंगे। दोपहर 2 बजे कीटगंज में चुनावी रैली है। शाम 4 बजे हंडिया प्रयागराज में जनसभा है। शाम 6 बजे रामलीला मैदान अल्लाहपुर में जनसभा करेंगे। तो सतीश चंद्र मिश्र भी एक्टिव हैं और वो भी यहां पर जनसभा करेंगे, रैली करेंगे। बीएसपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश है। बता दें कि बड़ा ब्राह्मण चेहरा है बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा, और वो आज जाएंगे प्रयागराज। प्रयागराज में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही 6 बजे के करीब रामलीला मैदान में उनकी दूसरी जनसभा है। तो पांचवें चरण को लेकर एक्टिव मोड में बीएसपी है। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र भी प्रयागराज में रैली करेंगे। तो वही केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद की संयुक्त जनसभा है सुबह 11:30 बजे मानिकपुर चित्रकूट में, चुनावी रैली है। दोपहर 1 बजे प्रयागराज में पीएम की जनसभा में वो शामिल होंगे। शाम 4:15 पर कौशाम्बी में चुनावी जनसभा है। शाम 6 बजे अल्लाहपुर प्रयागराज में भी जनसभा है। 6 बजे बीएसपी की भी जनसभा है और 6 बजे अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद दोनों मिलकर एक संयुक्त जनसभा का आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में तमाम लोगों के जुड़ने की जो खबर है वो भी है। हालांकि आपको बता दें कि इस जनसभा में कोशिश यही होगी कि जनता को बताया जाए कि अगर जनता उन्हें चुनती है तो कौन से ऐसे फायदे हैं जो वो जनता को देंगे। 11:30 बजे मानिकपुर चित्रकूट में पहली चुनावी रैली है संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल की संयुक्त जनसभा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद की संयुक्त जनसभा है सुबह 11:30 बजे मानिकपुर चित्रकूट में, चुनावी रैली है। दोपहर 1 बजे प्रयागराज में पीएम की जनसभा में शामिल होंगी। शाम 4:15 पर कौशाम्बी में चुनावी जनसभा है और 6 बजे अल्लाहपुर प्रयागराज में जनसभा है। तो पांचवें चरण का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प है। पांचवें चरण में लगभग 11 जिलों की 60 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें की प्रयागराज, अयोध्या, चित्रकूट, बहराइच, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, ये वो जिले हैं जहां पर वोट डाले जाएंगे। तो वही बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी चुनाव प्रचार करेंगी। सुबह 11 बजे सिद्धार्थनगर में जनसभा है उनकी और दोपहर 2 बजे मालीपुर, जलालपुर, अंबेडकर नगर में रैली है हेमा मालिनी की। तो हेमा मालिनी भी आज प्रचार प्रसार करेंगी। इसके साथ ही कोशिश होगी कि जनता को साधा जाए एक स्टार नेता की तरफ से। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी चुनाव प्रचार करेंगी सुबह 11 बजे सिद्धार्थनगर में, जनसभा को वो संबोधित भी करेंगी और दोपहर 2 बजे मालीपुर, जलालपुर, अंबेडकर नगर में रैली करेंगी। तो बीजेपी सांसद हेमा मालिनी चुनावी प्रचार आज करेंगी और 11 बजे के करीब सिद्धार्थनगर में जनसभा को वो संबोधित करेंगी। हालांकि आपको बता दें कि पांचवें चरण में ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिले हैं जहां पर वोट डाले जाएंगे और इसी सिलसिले में हेमा मालिनी भी यहां पर प्रचार करने जाएंगी। उत्तर प्रदेश में 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। अब लड़ाई पांचवें चरण की है, जिसको लेकर पक्ष विपक्ष की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। पांचवें चरण का मतदान 27 फरवरी को होगा। 11 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग होगी। हालांकि इस चरण में कसौटी पर गठबंधन होगा तो दिग्गजों की परीक्षा भी होगी। इस चरण में गठबंधन पर बड़ा दारोमदार होगा। अपना दल एस और
केमरावादी निषाद पाठी और सुभासपा पर अच्छा करने का दबाव होगा। सपा के लिए इस चरण की लड़ाई आसान नहीं है, तो वहीं बीजेपी 2017 के नतीजों को एक बार फिर दोहराने के लिए मजबूती से चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। देखिए पांचवें चरण का पूरा हिसाब किताब। चुनावी शोर जारी है, वार पलटवार के बीच चौथे चरण का मतदान खत्म हो गया। अब पांचवें चरण के लिए चुनावी प्रचार चरम पर है। पांचवें चरण में ही साइकिल अपनी रफ्तार बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन बीजेपी के गढ़ में सपा के लिए साइकिल दौड़ाना इतना आसान नहीं है। 27 फरवरी को यूपी के 11 जिलों की 61 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 11 जिलों की 61 सीटों पर मतदान, अमेठी, अयोध्या, बहराइच, बाराबंकी, चित्रकूट, गोंडा, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, 61 सीटों पर कुल 693 प्रत्याशी हैं। इसका राशन उसे भी लूट लेते थे, यहां तक कि उनके मंत्री, उनके सांसद, उनके विधायक, ये सारे परिवारवादी टोलियां ये गरीबों का राशन लूटने में शामिल रहते थे। भाजपा सरकार ने गौर परिवारवादियों के इन सारे खेलों का भी द एंड कर दिया है। पांचवें चरण में कई दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी हुई है। बीजेपी और सपा के बीच सीधी जंग में इस चरण में अपना दल एस और अपना दल कमेरावादी की भूमिका भी अहम होगी। सिराथू, कुंडा, प्रयागराज, अयोध्या समेत तमाम ऐसे जिले हैं जहां दिग्गजों के बीच सीधी लड़ाई दिख रही है। अब आपको सीट और उनके प्रत्याशियों के बारे में भी बताते हैं। सिराथू सीट जहां बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को उतारा है और सपा गठबंधन ने पल्लवी पटेल पर भरोसा जताया है। कुंडा, रघुराज प्रताप सिंह जो कि जनसत्ता दल से हैं, वहीं गुलशन यादव सपा गठबंधन से चुनावी मैदान में हैं। प्रयागराज दक्षिणी सीट, नंद कुमार नंदी बीजेपी से और सपा गठबंधन से रईश चंद्र शुक्ला चुनावी मैदान में हैं। प्रयागराज पश्चिमी सीट, सिद्धार्थनाथ सिंह बीजेपी और ऋचा सिंह सपा गठबंधन। बहराइच सदर सीट, अनुपमा जायसवाल बीजेपी, याशिर शाह सपा गठबंधन। मनकापुर सीट, रमापति शास्त्री बीजेपी, रमेश गौतम सपा गठबंधन। अयोध्या सदर, वेद प्रकाश यादव बीजेपी, पवन पांडे सपा गठबंधन। नौजवानों को नौकरी के नाम पर कैसे उन्हें गुमराह किया जाता था, वे आज भी झूठे वायदे कर रहे हैं। सावधान रहने की आवश्यकता है। याद रखना, उनके समय सुरक्षा का खतरा था, उनके समय में नौकरी निकलती थी उसमें वसूली शुरू हो जाती थी, न्यायालय रोक लगाता था। हमारी सरकार के समय 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली, पारदर्शी तरीके से मिली। और वर्तमान में हमने तय किया है आने वाले 5 साल में हर परिवार के एक नौजवान को रोजगार या नौकरी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। अगर हम बात करें इस पांचवें चरण की सीटों की, तो 2017 में बीजेपी गठबंधन ने सीटों पर बाजी मारी थी, जबकि समाजवादी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। मतलब साफ है, पांचवें चरण की लड़ाई समाजवादी पार्टी के लिए बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने जैसा है। ये जो अभी तो सपा जो सरकार बनाने के सपने देख रही है, इनका सपना चकनाचूर हो जाएगा। आप लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं कि जब जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रही है तो सपा सरकार के दौरान सबसे ज़्यादा उत्पीड़न दलितों का हुआ है, पिछड़ों का हुआ है, और ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ गरीबों का हुआ है, और अपर कास्ट समाज में से ब्राह्मण समाज का भी उत्पीड़न बड़े पैमाने पर हुआ है। तो अभी तो वो सब केवल बयानबाजी से ही उनके जो फॉलोवर्स हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनके दिमाग खराब हो गए। अभी तो वो सत्ता में भी नहीं आए हैं और आने वाले भी नहीं हैं। अब 2017 के नतीजों के बारे में भी जानिए। कुल सीट 61,
बीजेपी के हिस्से आई 50 सीटें, सपा 6 सीट, कांग्रेस 1 सीट, अपना दल एस 2 सीट और अन्य ही खाते में 2 सीट गई। ये लोग पहले डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, घर घर जाके प्रचार कर रहे थे। जब से घरों में लोगों ने इन्हें लाल वाला सेंडर दिखा दिया है, ये अब घर घर जाके प्रचार नहीं कर पा रहे, दूर से ही प्रचार कर रहे हैं। और एक तो नेता उनके ऐसे हैं कि थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे, और अभी उनका एक लैपटॉप वाला जो स्टेटमेंट है, हर आदमी सुन रहा है, लोटपोट हो जा रहा है जो सुन रहा है। पांचवें चरण की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। इन 11 जिलों में जहां बीजेपी का दबदबा कायम है, तो सपा के लिए अपनी जमीन तैयार करने की चुनौती है। सपा के लिए ये राह इतनी आसान नहीं, क्योंकि पांचवें चरण के रण में बीजेपी के कई दिग्गज मैदान में हैं। अवध की लड़ाई में साइकिल दौड़ लगाएगी या फिर बीजेपी एक बार फिर कमल का फूल खिलाएगी? जनता का जनादेश क्या होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार और करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। और इस बीच आपको एक ट्वीट दिखाते हैं, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट कर हमला बोला है समाजवादी पार्टी पर। स्वतंत्र देव सिंह ने क्या कुछ लिखा है आपको बताते हैं। चौथे चरण का रुझान देखने के बाद अब टिपू अपनी साइकिल से ही लंदन के लिए रवाना होने वाले हैं। तो स्वतंत्र देव सिंह का ये ट्वीट है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह, और उन्होंने निशाना साधा है विपक्षियों पर। तो वहीं आज अखिलेश यादव का प्रतापगढ़ दौरा है। इस बीच आपको बता दें कि प्रचार प्रसार वो करेंगे, जनसभा करेंगे, रैली करेंगे। अखिलेश यादव का आज प्रतापगढ़ दौरा है, 3 विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव, और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जनता को साधा जाए। सुबह 11 बजे कुंडा विधानसभा में जनसभा करेंगे, और विश्वनाथगंज के सरियापुर नौबस्ता में दोपहर 12 बजे जनसभा करेंगे। सदर विधानसभा के मंदाह में दोपहर 1 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव का आज प्रतापगढ़ दौरा है। अखिलेश यादव आज प्रतापगढ़ में जनता को संबोधित करेंगे, 3 विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। प्रतापगढ़, प्रयागराज, अयोध्या, श्रावस्ती, अमेठी, सुल्तानपुर, ये वो जिले हैं जिनमें पांचवें चरण में वोट डाले जाएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।